हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में कुछ दिन से पहले लास्ट वीक का मंडे या ट्यूसडे में हमारा एक मॉक टेस्ट हुआ था। मॉक टेस्ट हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा 40 क्वेश्चन उसमें था। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये चार ब्रांच के लिए क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में उस जितना भी क्वेश्चन था उसको मैं डिस्कशन करूँगा, आपको सारे राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। इसी तरीके में आप लोगों को अगर लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो आप लोग ज्वाइन करिए हमारा एप्लीकेशन हेल्पिंग तपन लर्निंग ऐप, डाउनलोड करिए। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ये है गाइज हमारा एप्लीकेशन, और आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल हो जाइए टेस्ट सीरीज में। हर हफ्ते हमारा लाइव टेस्ट रहता है, उसके साथ आप लोग को वीडियो कोर्स भी मिलने वाला है। प्रीमियम कोर्स अगर ले रहे हो तो आप लोग को वीडियो कोर्स मिलेगा। फ्री में आप लोग को दो टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके बाद आपको 70+ आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए गाइज, ये है हमारा एप्लीकेशन का जो एग्ज़ाम पोर्टल है। फ्री में आप लोग ये एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। मैं आप लोग के लिए उसी एग्ज़ाम से एक एग्ज़ाम करा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, फिर यहाँ पे आप लोग को एक अंडरटेकिंग क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन में क्लिक करिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे BIS की अनुसार सरफेस प्लेट का साइज कितना होता है। BIS अकॉर्डिंग टू VIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सरफेस प्लेट का साइज कितना रहता है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, 50x50 सेंटीमीटर या 50x75 सेंटीमीटर या 100x50 सेंटीमीटर या 100x100 mm। तो यहां पे इसका दोस्तों राइट आंसर जल्दी कमेंट करिए। मैं यहां पे लाइव हूं, आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूं। चले दोस्तों जल्दी कमेंट करिए। आप लोग को 5 सेकंड मिल रहा है, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बताइए। चले दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड साइज रहता है दोस्तों VIS का, जो सरफेस प्लेट का स्टैंडर्ड साइज रहता है वो 50x50 सेंटीमीटर, इससे भी बड़ा हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड पूछा गया है, BIS अकॉर्डिंग टू VIS स्टैंडर्ड साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द सरफेस प्लेट। यहाँ पे ए आंसर इज द राइट आंसर। चलिए मैं यहाँ पे ए आंसर को टिक कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ए को टिक करके यहाँ पे आप लोग ए को क्लिक करिए, फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट वो क्लिक कर सकते हो। चलिए सेकंड नंबर का आंसर बताओ। तो यहाँ पे सरफेस प्लेट थिकनेस आज पर इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी, तो यहाँ पे बोला गया कि जो सरफेस प्लेट की जो थिकनेस कितना होता है आज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइज सरफेस प्लेट का थिकनेस कितना रहता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन जो दिया है 2.5 cm टू 5 cm या 5 cm टू 8 cm या 1 cm टू 2.5 cm या आपकी 10 cm टू 12.5 cm। जल्दी बताइए दोस्तों, आप लोग को 5 सेकंड मिल रहा है। यहाँ पे टाइमर भी चालू है दोस्तों, आप लोग को इस एग्जाम के लिए 40 मिनट्स मिल रहा है। 40 मिनट से हम 6 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2.5 to 5 cm दोस्तों, 2.5 to 5 cm के अंदर उसका थिकनेस रहता है सरफेस प्लेट का। जो इंडियन स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे सो थिकनेस रहता है वो रहता है दोस्तों 2.5 to 5 cm। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे 2.5 to 5 cm को क्लिक करिए, 7 नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, द हार्डनेस ऑफ द कटिंग ऑफ द चीजेल। दोस्तों यहाँ पे चीजेल का जो हार्डनेस होता है वो कितना रहता है, 53 to 90 HRC,
HRC हार्डनेस का जो यूनिटी होता है दोस्तों, हार्डनेस रक्वेल टेस्ट, तो यहाँ पे दोस्तों HRC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो हार्डनेस रक्वेल टेस्ट यहाँ पे 53 to 59 या 60 या 62 या 65, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 53 to 59 HRC। चले दोस्तों इसको आप लोग को टिक करना है, यहाँ पे इसको टिक करिए, फिर यहाँ पे आप 7 नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्डर कंटेंट अमाउंट ऑफ लीड एंड टिन, इसका रेशियो पूछा गया है दोस्तों। सोल्डर का कंपोजिशन क्या होता है, लीड एंड टिन दोस्तों, टिन एंड लीड, तो टिन एंड लीड का जो कंपोजिशन क्या रहता है वही पूछा गया है। 4:3, 4:5, 4:7 या 5:6, जल्दी कमेंट में बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4:7, 4:7 में इसका रेशियो रहता है टिन एंड लीड। टिन कितना पार्ट रहेगा, टिन चार पार्ट रहने वाला है, टिन जो है वो चार पार्ट रहने वाला है और लीड जो है वो सात पार्ट रहने वाला है। 4:7 आपकी इस रेशियो में जो शोल्डर कंटेंट करता है लीड एंड टिन का रेशियो वो टीन एंड लीड का रेशियो 4:7, ये याद रखिए दोस्तों। ये कहीं पे भी जाके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ 4:7 में 7 नेक्स्ट करिए। 7 नेक्स्ट के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, मेन फ्लक्स फॉर द शोल्डरिंग ऑफ ए गन मेटल। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि गन मेटल को शोल्डर करने के लिए फ्लक्स क्या यूज होता है, रेजिन यूज होता है या अमोनियम क्लोराइड यूज होता है, जिंक क्लोराइड यूज होता है या हाइड्रोक्लोराइड यूज होता है, जल्दी बताइए। आप लोग को 5 सेकेंड मिल रहा है, कमेंट में जल्दी बताइए, कमेंट या लाइव चैट में आप जो भी मिल रहा है जल्दी बताइए। व्हाट इज द मेन फ्लक्स ऑफ सोल्डरिंग ऑन गन मेटल, गन मेटल को सोल्डरिंग करने के लिए जो मेन फ्लक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेजिन, रेजिन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, मेन फ्लक्स कंटेंट द गन मेटल इज रेजिन। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पर रेजिन को क्लिक कर रहा हूँ, 7 नेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ सकते हो। शुड द कंपोनेंट कूल डाउन इन द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जो कंपोनेंट को कूल किया जाता है वो किस मेथड में किया जाता है, डीप इन वाटर, फोर्स कूलिंग इन एयर, डीप इन ऑयल या ऑन द टेम्परेचर ऑफ रूम इन द स्टेबल एयर। तो यहाँ पे जल्दी बताइए दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग का जो क्वेंचिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग जो नॉर्मल प्रोसेस में जो कूलिंग होता है वो कौन सा प्रोसेस में कूलिंग होता है, डीप वाटर में, वाटर के अंदर मतलब डीप किया जाता है या फोर्स फ्लोइंग एयर, एयर को फ्लो किया जाता है या डीप इन ऑयल, ऑयल के अंदर डीप किया जाता है, डूबा जाता है या आपकी जो रूम टेम्परेचर के अंदर स्टेबल एयर के अंदर कूलिंग किया जाता है, जल्दी बताइए। दोस्तों जो लोग भी आप लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में रूम टेम्परेचर स्टेबल एयर के अंदर ये क्वेंचिंग होता है। क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग इज ए प्रोसेस टू गिव द नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब आपकी जो टेम्परेचर हाई रहता है 600 डिग्री टेम्परेचर है उसको आपको नॉर्मल एटमोस्फियर को टेम्परेचर में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्वेंचिंग बोला जाता है। पर यहाँ पे दोस्तों बोला गया कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में आपकी कौन सा प्रोसेस में क्वेंचिंग होता है, ऑन द टेम्परेचर ऑफ रूम इन स्टेबल एयर, स्टेबल एयर के अंदर जो टेम्परेचर रहता है उसके अंदर अगर आप रख रहते हो उस जो प्रोसेस को बोला जाएगा वो नॉर्मलाइजिंग बोला जाएगा। मैं यहां पे नॉर्मलाइजिंग क्लिक कर रहा हूं, 7 नेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, सोल्डर हैज मेल्टिंग पॉइंट, दोस्तों यहां पे मेल्टिंग पॉइंट से
कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को लेके बहुत जगह में, सपोज यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर पूछा गया है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लीड पूछा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमएस स्टील का भी मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर, शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है? ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों, 450 से 500 या 500 से 650 या 95 से 160 या 296 टू 355। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जो लोगों भी 296 टू 355 बोल रहे उनका राइट होगा दोस्तों। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलेंगे, यहाँ पे डी को क्लिक कर रहा हूँ, डी को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को चला। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, जो फिगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है गाइस। यहाँ पे दोस्तों एक फिगर दिया गया है, मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बोला कि नेम ऑफ द स्टॉक शोन इन पिक्चर, ये जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर का नाम क्या है। जो स्टॉक रहता है आप लोग को पता होगा, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के एक टूल्स रहता है ये दोस्तों, एक टूल है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो राउंड टॉप स्टॉक या फनल स्टॉक या सेमी मून सेव्ड स्टॉक या कपर स्टॉक, जल्दी बताइए ए या बी या सी या डी, जल्दी बताइए दोस्तों। आप लोगों को 5 सेकंड मिल रहा है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। राउंड टॉप स्टॉक इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, जो लोग भी ए बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा राउंड टॉप स्टॉक। चलिए दोस्तों मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं राउंड टॉप स्टॉक, तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे दिया गया है कितने टाइप्स का वेल्डिंग जॉइंट्स रहता है, वेल्डिंग नहीं पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे वेल्डिंग जॉइंट पूछा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 6 टाइप या 7 टाइप। आप लोग को पता होगा वेल्डिंग जॉइंट होता है वो लैप जॉइंट होता है, बॉट जॉइंट होता है, यहाँ पे पैरेलल जॉइंट होता है, लैप जॉइंट में भी सिंगल वी होता है, सिंगल यू होता है, फिर सॉरी बॉट जॉइंट में जो सिंगल वी होता है, सिंगल यू होता है, डबल वी बनता है दोस्तों, फिर डबल यू भी बनता है दोस्तों। तो इसी तरीके में बहुत सारा टाइप का जॉइंट्स है। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट आर देयर, तो कितने टाइप्स का वेल्डिंग जॉइंट रहता है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 टाइप, 4 टाइप आपकी वेल्डिंग जॉइंट रहता है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ए ऑप्शन को क्लिक करिए, 7 नेक्स्ट को क्लिक करिए। यहाँ पे एग्जाम देते वक्त आप लोग कोई भी क्वेश्चन को जा सकते हो, यहाँ पे कोई भी, मैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को क्लिक करिए, वो 23 नंबर को सपोज मैं जाना चाहता हूँ तो 23 को क्लिक करिए, 23 नंबर को जा सकते हो। मैं यहाँ पे 10 को क्लिक कर रहा हूँ, 10 को क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सी एलपीजी गैस टेम्परेचर, दोस्तों यहाँ पे ऑक्सी एलपीजी का टेम्परेचर पूछा गया है, यहाँ पे ऑक्सी हाइड्रोजन का भी टेम्परेचर पूछा जा सकता है, ऑक्सी एसिटिलिन का टेम्परेचर पूछा जा सकता है, ऑक्सी एलपीजी का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्सी एलपीजी, यहाँ पे पूछा गया है एलपीजी का टेम्परेचर कितना रहता है, 2700 से 2800, 2800 से 3000, 3000 से 3300 या 3200 से 3400, जल्दी आंसर बताओ गाइज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 2700, 2700 से 2800, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो लोगों भी ए आंसर दे रहे उनका राइट होगा दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, ए को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देता हूँ, 7 नेक्स्ट में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन इज यूज्ड टू बी मेनली ऑन वेल्डिंग शॉप, यहाँ पे पूछा गया है कि जो वेल्डिंग शॉप में कौन सा टाइप का एक्सट्रूजन, फायर एक्सट्रूजन आपको पता होगा, फायर एक्सट्रूजन दिया यूज होता है दोस्तों। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन ऑन यूज्ड इन वेल्डिंग शॉप, कौन सा टाइप का फायर एक्सट्रूजन वेल्डिंग शॉप में यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रूजन या सोडा एसिड एक्सट्रूजन
या बकेट फिल्ड विथ वाटर या ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रूजन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रूजन। आपकी यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी वेल्डिंग शॉप में कौन सा टाइप का एक्सट्रूजन यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए ए को मैं क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ। 12 नंबर आप लोग देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्या बोला, द ड्रिल साइज ऑफ फॉर द टैपिंग ऑफ M10। दोस्तों यहाँ पे M10 को टैपिंग करना है तो ड्रिल साइज कितना होता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पिच याद रखना होता है दोस्तों, पिच का टेबल एक होता है, तो जो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए 60% थ्रेड का फार्मूला क्या होता है, 60% थ्रेड को फार्मूला है मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो यहाँ पे मेजर डायमीटर क्या दिया, M10 का जो पिच कितना रहता है, तो आप लोग बताइए M10 का कितना पिच रहता है। M10 का पिच रहता है 1.5 mm। तो दोस्तों यहाँ पे 10 माइनस 1.5 mm इक्वल टू कितना हुआ, 10 माइनस 1.5 8.5 इसका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए और आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। 8.5 को क्लिक कर रहा हूँ, 7 नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों 77 डिग्री फारेनहाइट को आपको डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे गाइज आप लोग को फॉर्मूला देख सकते हो। यहाँ पे सेल्सियस टू फारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए या फारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया हूँ, C2F, सेल्सियस टू फारेनहाइट, F इक्वल टू 9/5 × 35। तो यहाँ पे दिया गया है कि 35 को कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे 50 फारेनहाइट टू सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या है, C = 5/9 ब्रैकेट में F − 32। तो यहाँ पे दोस्तों इसी टाइप का आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा, आप सबको पता होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों इसी टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 25 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 77 फारेनहाइट इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्तों इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 25 को मैं क्लिक कर देता हूँ, 7 नेक्स्ट को करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हो, वेज एंगल किफ्ट फॉर द फॉर्जिंग वर्क्स हॉट चिजेल कटिंग रेड हॉट मेटल। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वेज एंगल कितना रहता है हॉट चिजेल में, चिजेल का वेज एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम या 30 डिग्री से अधिक या 45 डिग्री, जल्दी बताओ। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर्जिंग से क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा दोस्तों। वेज एंगल जो फॉर्जिंग में यूज होता है जो चीजें, उसका वेज एंगल कितना होता है दोस्तों, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 से कम होता है दोस्तों, लेस देन थर्टी, ये याद रखिए दोस्तों। वेज एंगल फॉर यूज फॉर फॉर्जिंग शॉप में जो चीजें यूज होता है उसका जो वेज एंगल रहता है वो 30 डिग्री से कम रहता है। इसका राइट आंसर होगा गाइज 30 डिग्री से कम। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 30 डिग्री से कम, चलिए 7 नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आप लोग देखिए दोस्तों 15 नंबर क्या बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन M42HSS, हाई स्पीड स्टील का एक ग्रेड रहता है दोस्तों M42 एक हाई स्पीड स्टील का ग्रेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि M42HSS में कोबाल्ट का परसेंटेज कितना रहता है, 3%, 4%, 8% या नो कोबाल्ट, जल्दी बताओ 15 नंबर का आंसर। यहाँ पे आप लोग के लिए 5 सेकंड मिल रहा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4%, 4% इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 4%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का HSS का जो M42 का ग्रेड में जो कोबाल्ट परसेंटेज रहता है वो 4% रहता है दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी। तो यहाँ पे बी को मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन ऑफ द होल इन IS, IS का इंडियन स्टैंडर्ड का जो मिनिमम डेविएशन का होल जो नामकरण किया जाता है दोस्तों, कैपिटल ई या स्मॉल ई आई। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ऑप्शन देखिए दोस्तों, जो इंडियन स्टैंडर्ड का मिनिमम डेविएशन ऑफ होल इज कॉल्ड ई आई या ई एस या कैपिटल ई कैपिटल आई या कैपिटल ई कैपिटल एस। जल्दी बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिमिट फिट टॉलरेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मिनिमम डेविएशन ऑफ कैपिटल इंडियन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड सी कैपिटल ई एंड कैपिटल आई, सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सी को क्लिक कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट को चलता हूँ। तो यहाँ पे सी को क्लिक किया, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरफेस इज द सब्सटेंस ऑफ प्लेट। मतलब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये ट्रांसलेट हिंदी है तो हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट किया गया है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन इशू है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरफेस प्लेट की पदार्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे सरफेस प्लेट का जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल में बनता है, हाई ग्रेड कास्ट स्टील, पिटुआ आयरन, यहाँ पे पिटुआ आयरन मतलब कास्ट आयरन, उसके बाद फाइनली पार्ड कास्ट आयरन या अलॉय स्टील। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, फाइन ग्रैंड कास्ट आयरन। दोस्तों फाइन ग्रैंड कास्ट आयरन इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं यहाँ पे सी लगा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलेंगे। सी को क्लिक करिए, फिर हम सेव एंड नेक्स्ट को करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्या क्वेश्चन बोला। यहाँ पे दोस्तों ये पूछा गया है कि व्हाट इज द जॉब अराउंड, मतलब यहाँ पे आप लोग को आरपीएम पूछा गया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट पूछा गया है, जिसमें जॉब डायमीटर दे दिया गया है 20 mm दे दिया गया है जॉब डायमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो फीड रहता है दोस्तों, फीड यहाँ पे कटिंग स्पीड जो दिया गया है, नेक्स्ट जो कटिंग स्पीड दिया गया है वो 45 meters पर मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे इसका डाटा दे दिया गया है, आपको आरपीएम निकालना है, पाई डी एन बाई थाउजेंड जो फॉर्मूला है, पाई डी एन बाई थाउजेंड, उसी फॉर्मूला को डाल के आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 18 नंबर का आंसर आप लोग निकालिए, मैं यहाँ पे राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 716। आप लोग निकालिए और निकाल के आप हमारे टेलीग्राम में पोस्ट करिए, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है टेलीग्राम में मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। 716 इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पे 716 को क्लिक करके आप लोगों को आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं डाउट क्लियर क्लास एक लेके आप ये सारे चीज़ों को समझा दूंगा, डाउट क्लियर क्लास में सारे चीज़ों को मैं समझा दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आर ए वैल्यू ऑफ N1 ग्रेड सरफेस फिनिश। दोस्तों यहां पे आप लोग को पता होगा सरफेस फिनिश में ग्रेडिंग होता है, N1 टू N12 लग रहा है, N12 तक आपकी ग्रेडिंग रहता है। तो यहां पे आर ए वैल्यू पूछा गया है कि व्हाट इज द आर ए वैल्यू ऑफ N1 ग्रेड सरफेस फिनिश। तो यहां पे देख सकते हो दोस्तों, ये 1 माइक्रोन, 0.001 mm, 0.005 mm, या 0.025 mm, या 0.2। दोस्तों ये 1 माइक्रोन, ये 5 माइक्रोन, ये 25 माइक्रोन, या ये 200 माइक्रोन, जल्दी बताओ आप लोग की राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 25 माइक्रोन। 25 माइक्रोन दोस्तों,
25 माइक्रोन कैसे होगा, यहाँ पे N1 ग्रेड सरफेस फिनिशिंग के लिए जो आरए वैल्यू रहता है वो 25 माइक्रोन। तो आप लोग को ग्रेड वाइज आरए वैल्यू को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जा रहे हो, सरफेस फिनिश सरफेस रफनेस से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगले वीडियो में और 20 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे गाइज। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेम ऑफ यूनिवर्सियल सरफेस गॉज पार्ट्स इन द ड्राइंग पैरेलल लाइन विथ द डाटम सरफेस। तो यहाँ पे बोला गया कि नेम ऑफ द यूनिवर्सियल सरफेस गॉज पार्ट्स। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सियल सरफेस गॉज की जो पार्ट एक रहता है जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है, वो कौन सा पार्ट रहता है? यहाँ पे रॉक आर्म या स्नैप या गाइड फिन या माइक्रो एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जल्दी बताओ, आप लोग के लिए 5 सेकंड आपकी टाइमिंग दिया जा रहा है, जल्दी बताओ 20 क्वेश्चन का आंसर बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गाइड पिन। गाइड पिन क्या करता है? आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। यूनिवर्सियल सरफेस गेज में गाइड पिन हेल्प करता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। दोस्तों हम क्वेश्चन 20 डिस्कशन किए, 20 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे 21 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21 नंबर क्या बोल रहा है, कूलेंट सुइटेबल फॉर ड्रिलिंग एल्यूमिनियम एंड कॉपर। दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड कॉपर को जो ड्रिलिंग करने के टाइम कौन सा कूलेंट यूज होता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, लेड ऑयल या किरोसिन या ड्राई या मोबिल ऑयल। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा कूलेंट सुइटेबल फॉर ड्रिलिंग एल्यूमिनियम। दोस्तों AL एल्यूमिनियम एंड कॉपर को जो ड्रिलिंग करने के टाइम कूलेंट क्या यूज होता है, ये यूज होता है दोस्तों किरोसिन, किरोसिन यूज होता है, ये याद रख लीजिए दोस्तों। कूलेंट यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज कॉल्ड किरोसिन। इसका राइट आंसर होगा किरोसिन। मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ किरोसिन को, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट को जा रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट को जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल विल बी यूज्ड टू रफ टर्निंग आर ए इक्वल टू 0.8 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द बोर्स व्हिच हाई कटिंग स्पीड डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द टूल मटेरियल, यहाँ पे HSS हाई स्पीड स्टील को कटिंग करने के लिए विथ टर्निंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील HSS को टर्निंग करना है विथ आर ए वैल्यू 0.8 में, आर ए 0.8 में रहने वाला है, उसके साथ आप लोग को कौन सा टूल मटेरियल यूज कर सकते हो? हाई स्पीड स्टील, जैसे कि आप सबको पता होगा हाई स्पीड स्टील बहुत स्ट्रांग कटिंग टूल होता है, उसको भी काटने के लिए, कटिंग टूल को जो हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल होता है उसको भी काटने के लिए कौन सा टूल्स मटेरियल यूज कर सकते हो? हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड या कार्बन स्टील या लो अलॉय स्टील। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सीमेंटेड कार्बाइड जो लोग बोल रहे हैं उनका राइट होगा दोस्तों। हाई स्पीड स्टील को कटिंग करने के लिए 0.8 का जो आर ए वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे दोस्तों जो टूल मटेरियल लिया जाएगा वो सीमेंटेड कार्बाइड टूल मटेरियल लिया जाएगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सीमेंटेड कार्बाइड को क्लिक कर देता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आप लोग देखिए। 23 नंबर बोल रहा है लाइव सेंटर आर मेड ऑफ, लाइव सेंटर कौन सा मटेरियल में बनता है, माइल स्टील, अलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील या ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा माइल स्टील। जो लोग भी माइल स्टील बोल रहे हैं उनका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव सेंटर जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल में बनता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को प्रेशर नहीं चाहिए, हार्ड मटेरियल में बना दे और जॉब में थोड़ा डिफ्लेक्शन आ जाएगा दोस्तों। हार्ड मटेरियल में इसीलिए बनता है क्योंकि जॉब को प्रोटेक्ट करना होगा, खुद घिस जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेंटर खुद घिस जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जॉब का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल में बना गया है माइल्ड स्टील में। चलिए मैं यहाँ पे माइल्ड स्टील को क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ।
माइल स्टील के बाद सेवन नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए 24 नंबर ड्रिल चॉक्स वर्क्स ऑन व्हिच ऑफ द प्रिंसिपल। दोस्तों ड्रिल चॉक कौन सा प्रिंसिपल में चलता है, ड्रिल चॉक इज वर्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू या ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वार्म स्क्रू या ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैक एंड पिनियन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल ऑफ द अबव। जल्दी तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हो टेस्ट सीरीज में, आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए, कम दिन बचा है इसरो का एग्जाम के लिए। तब तक आपकी जो एग्जाम होते होते आप लोग को 100% तैयारी चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। स्क्रू जो जिस प्रिंसिपल में चलता है उसी प्रिंसिपल में यहाँ पे दोस्तों चॉक भी चलता है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, यहाँ पे इसको ए को क्लिक करता हूँ, सेवन नेक्स्ट में क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट एक्सेसरीज आर यूज्ड ब्लाइंड पैरेलल सैंक ड्रिल। दोस्तों यहाँ पे पैरेलल सैंक ड्रिल को माउंट करने के लिए कौन सा एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हो ड्रिलिंग के टाइम में। पैरेलल सैंक ड्रिल अकॉर्डिंग टू सैंक देयर आर टू टाइप्स, वन इज स्टेपर सैंक ड्रिल, अनदर इज पैरेलल सैंक ड्रिल। तो दोस्तों यहाँ पे पैरेलल सैंक ड्रिल को माउंट करने के लिए कौन सा एक्सेसरी यूज होता है, ड्रिल स्लीव या ड्रिल सॉकेट या ड्रिल चॉक या ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फंडा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पे टेपर सैंक ड्रिल को होल्ड करने के लिए ड्रिल स्लीव और ड्रिल सॉकेट यूज होता है टेपर सैंक ड्रिल को होल्ड करने के लिए। पर दोस्तों स्ट्रेट सैंक पैरेलल सैंक ड्रिल को होल्ड करने के लिए ड्रिल चॉक यूज होता है। ड्रिल चॉक स्लीव और सॉकेट के द्वारा माउंट हो सकता है, पर डायरेक्ट जो पैरेलल सैंक ड्रिल जो डायरेक्ट माउंट होगा वो ड्रिल चॉक के ऊपर माउंट होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, जो लोग बोल रहे हैं उनका राइट होगा। मैं यहाँ पे सी को क्लिक कर रहा हूँ, सेवन नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, कूलेंट सुइटेबल फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को जो ड्रिलिंग करने के लिए कूलेंट क्या यूज होता है, ये सब आपको बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ड्राई और विंड, मतलब ड्राई एयर जो होता है वो आप लोग दे सकते हो, आइदर नो कूलेंट यूज होता है या ड्राई एयर यूज कर सकते हो। कास्ट आयरन में कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण यहाँ पे कूलेंट यूज नहीं होता है, जरूर कमेंट करिए। कमेंट में सबका कमेंट होना चाहिए, लाइव अगर देख रहे हो तो आप लोग लाइव बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों सी को आंसर को टिक कर रहा हूँ, सेवन नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेपर इज फाउंड ऑन द आर्बर ऑफ द ड्रिल चॉक। ड्रिल चॉक का जो आर्बर होता है उसमें कौन सा टेपर फाउंड होता है। दोस्तों आपको पता होगा टेपर, डिफरेंट टाइप ऑफ टेपर, जैसे कि जानू टेपर, मोट्स टेपर, उसके बाद ब्राउनिंग टेपर, शार्फ टेपर, इसी तरीके में मेट्रिक टेपर, बहुत सारा टेपर्स रहता है। यहाँ पे पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेपर इज फाउंड ऑन द आर्बर ऑफ द ड्रिल। ड्रिल का आर्बर में कौन सा टाइप का टेपर यूज होता है, मोर्स टेपर, मैट्रिक टेपर, जानू टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जल्दी बताओ कमेंट में। गाइज ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे बहुत मतलब डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मोर्स टेपर। जो लोग भी मोर्स टेपर आंसर दे रहे हो उनका राइट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आर्बर ऑफ द ड्रिल में ड्रिल का जितना भी टेपर रहता है दोस्तों यहाँ पे आपको आप लोगों के लिए मोर्स टेपर ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोर्स टेपर। चलिए मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मोर्स टेपर को क्लिक करके सेवन नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिटी। दोस्तों इसके अंदर कौन सा एक फंडामेंटल यूनिटी नहीं है। दोस्तों आपको ये वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन क्वेश्चन है दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसरो में कोई भी एग्जाम जा रहे हो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड यूनिटी साइंस चैप्टर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिटी,
प्रेशर, लेंथ, मास या टाइम। प्रेशर इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिटी। तो ये जितना भी बी एंड सी डी ये तीन ऑप्शन फंडामेंटल यूनिटी के अंदर आता है, लेंथ फंडामेंटल यूनिटी, मास फंडामेंटल यूनिटी, टाइम फंडामेंटल यूनिटी, प्रेशर इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिटी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेशर। चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ प्रेशर को, प्रेशर क्लिक कर दिया, 7 नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुइटेबल ओनली द फॉलोइंग एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ड्रिलिंग आपको पता होगा, एक को होता है सिंगल कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे पूछा गया है कि ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, मतलब यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट कौन सा टूल में आता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट टूल होता है। तो यहाँ पे मिलिंग इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, उसके बाद टर्निंग ऑल्सो, यहाँ पे ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपकी ड्रिलिंग इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट टूल होता है दोस्तों ड्रिलिंग, पॉइंट कटिंग टूल तो ए सिंगल पॉइंट में काटता है, इसका राइट आंसर होगा ड्रिलिंग। चलिए दोस्तों मैं ड्रिलिंग को क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। ड्रिलिंग क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ए गियर टीथ बस 33 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल द पिच डायमीटर। दोस्तों ये गियर से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ये सारे क्वेश्चन को आपको डाउट क्लियरिंग क्लास लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आंसर जरूर बता दूंगा, पर आप लोग को आता है तो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो, पर मैं आप लोग के लिए इसको एक डाउट क्लियर क्लास करके गियर और यहाँ पे लेथ का जो टर्निंग का जो भी फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है वो सारे को मैं एक डाउट क्लियर क्लास लेके आपको समझा दूंगा। गियर व्हील बस 36 टीथ एंड 3 mm इसका मॉड्यूल है, द पिच डायमीटर इज, जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो। 118 mm इसका राइट आंसर होगा, आपको पता है तो निकालिए, नहीं तो मैं आप लोग के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास में ये मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं 108 क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद 7 नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन 80 meters। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको भी अटेंड कर सकते हो दोस्तों, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द 80 meters लॉन्ग, ट्रेन का जो लेंथ होगा दोस्तों वो होगा 80 meters लॉन्ग। पास आई हुई द रेलवे प्लेटफॉर्म इज 120 meters लेंथ, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये है, इसका लेंथ होगा 120 meters लॉन्ग, लेंथ इन द 20 seconds। यहाँ पे दोस्तों 20 seconds में ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड निकालना होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 36 kilometers 36 km/h आवर, यहाँ पे ये ट्रेन का स्पीड, इसको भी मैं डाउट क्लियरिंग क्लास में कवर कर लूँगा दोस्तों, आप लोग को आता है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं आप लोग को फॉर्मूला के साथ समझा दूंगा। इसका राइट आंसर होगा 36 km/h दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट चलता हूँ, इसको समझाने जाऊँ तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 32 नंबर देखिए दोस्तों, 32 नंबर, व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट साइड, इस टाइप का क्वेश्चन, ये ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इसरो में, तो ये याद रख लीजिए। यहाँ पे साइन थीटा पूछा गया है तो यहाँ पे कहीं पे कॉस पूछा जाएगा, कहीं पे कॉट भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लीजिए दोस्तों, आपकी जो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, इसका राइट आंसर होगा ए, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। इसी तरीका में कॉस थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो इसी तरीका में आप लोग को दोस्तों याद रख लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला, ये एक करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर आप लोग देख सकते हो। विच बॉलीवुड स्टार हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डाबर च्यवनप्राश बाई डाबर इंडिया लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा बॉलीवुड स्टार डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इसका राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पे अक्षय कुमार को क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे पूछा गया कि टैन का वैल्यू क्या है दोस्तों, मैं इसका भी आप लोग को राइट आंसर बता देता हूँ। 4/3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हम नेक्स्ट को चलते हैं। ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, आपकी मेंसुरेशन को सॉरी ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है। ये ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिटी, यहाँ पे इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिटी। यहाँ पे इसके अंदर कौन सा फंडामेंटल यूनिटी, लेंथ मास वॉल्यूम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास एरिया या लेंथ मास वॉल्यूम, लेंथ प्रेशर वॉल्यूम, डी लेंथ प्रेशर वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेंथ मास टाइम। तो इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिटी, वहां पे प्रेशर का आंसर दिया गया था, तो प्रेशर फंडामेंटल यूनिटी नहीं है। यहां पे बोला गया कि कौन सा इसके अंदर फंडामेंटल यूनिटी है, तो यहां पे लेंथ मास टाइम LMT, तो ये याद रख लीजिए दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पे इसको लेंथ मास टाइम को क्लिक कर देता हूं, 7 नेक्स्ट को क्लिक कर देता हूं। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रिलिटी इज ऑब्जर्व ऑन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोस्तों एक करंट अफेयर मतलब आपकी जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, 36 नंबर। 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 10th जनवरी को इसको मनाया जाता है। मैं यहाँ पे 10th जनवरी को क्लिक करके नेक्स्ट को चलूँगा। 10th जनवरी को क्लिक किया, 7 नेक्स्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 37 टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक। यहाँ पे दोस्तों बियरिंग लोड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक रेडियल लोड, एक्सियल लोड, बोथ रेडियल एंड एक्सियल, एंड द रेशियो दीज बींग्स लेस देन यूनिटी या बोथ रेडियल एक्सियल लोड। जल्दी बताओ दोस्तों, आप लोग के लिए 5 सेकेंड मिल रहा है। रेडियल बियरिंग, टेपर्ड रेडियल बियरिंग कैन टेक रेडियल लोड या एक्सियल लोड, बोथ रेडियल एंड एक्सियल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियल लोड ओनली, रेडियल लोड ओनली, ए इज द राइट आंसर। टेपर रोलर बियरिंग कैन टैक्स, टेपर्ड रोलर बियरिंग कैन टैक्स रेडियल लोड ओनली। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे रेडियल लोड को क्लिक करके 7 नेक्स्ट को क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द LCM ऑफ 12, 18, 6 या 36। यहाँ पे LCM पूछा गया है, LCM 12, 18, 6 और 36 का LCM क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में, नहीं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 36। जो लोग भी 36 बोल रहे हैं उनका राइट होगा। चलिए दोस्तों मैं 36 को क्लिक करके 7 नेक्स्ट करता हूँ। 7 नेक्स्ट किया, तो ये 39 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन जो है वो लास्ट होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कॉपर वायर, ये भी दोस्तों एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपकी मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कॉपर वायर ऑफ 2 to 5 meter लॉन्ग, 2 to 5 meter लॉन्ग एंड द कट इन द 900 इक्वल पार्ट। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कॉपर वायर का जो लॉन्ग है 225 मीटर का लंबाई है और इसको काटना है हमको 900 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट का कितना जो डिस्टेंस रहने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिवाइड ही करना होगा। 2 to 5 meter को आपको मीटर ही रखिए, डिवाइडेड बाई 900 कर दीजिए। यहाँ पे जितना भी पार्ट आएगा, जितना भी पॉइंट में फ्रैक्शन आएगा, वही होगा इसका राइट आंसर।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.25। चलिए हम 0.25 को क्लिक करते हैं, 7 नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, 40 नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एन यूनिवर्सियल कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट, यहाँ पे यूनिवर्सियल कपलिंग दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, व्हिच पार्ट परफेक्टली अलाइंड या व्हिच आर नॉट एग्जैक्ट अलाइनमेंट या हैव द लैटरल मिस अलाइनमेंट या व्हिच एक्सिस इज इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सियल कपलिंग क्यों यूज होता है, पैरेलल कपलिंग होता है और यूनिवर्सियल कपलिंग यूज होता है ताकि दोनों का, सपोज ये इसका एक्सिस इस एंगल में है और इसका एक्सिस इस एंगल में है, थोड़ा एंगल का वेरी है जहाँ पे, उस जगह में आप लोग यूनिवर्सियल कपलिंग यूज कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी जगह में आप लोग यूनिवर्सियल कपलिंग को यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसको मैं 7 नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हूँ, तो लास्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन किया था, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कर दिया दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा 40 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट में बताइए दोस्तों, और अभी तक हमारे जो एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं किया या आप लोग टेस्ट सीरीज में आप एनरोल नहीं हुए हो, जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए। इसी तरीके में बहुत सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आप लोग को मिलेगा, ये हेल्प करेगा दोस्तों आप लोग को आगे जाके जो भी एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पर आप लोग को बहुत हेल्प करेगा इस टाइप का एग्जाम, मॉक टेस्ट। आप लोग को सारे चीज़ें मॉक टेस्ट के या में एक्सपोर्ट बन जाओगी, जहां पे अभी दोस्तों आप सबको पता होगा इसरो का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ऑनलाइन एग्जाम में भी आप रेडी हो जाओगी और क्वेश्चन के साथ एक्वेंटेड हो जाओगी दोस्तों। इसी तरीका में आप लोग जरूर से हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके एनरोल हो जाइए। चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।